आपको लगता है नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बिकॉज अपोजिशन के लोग उठा ही रहे थे इस बात को. अपोजिशन के अलावा जब एक सामने बात आती है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात उठने लगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री ये काउंटर करे कि हो सकता है कि एलन मॉस जिस देश से आते हैं वहां पर जो है ये बात होती होगी, ईवीएम कहीं मैनिपुलेट हो सकती होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसका मशीन कहीं से हमारे यहाँ ईवीएम मशीन जो है नहीं कहीं मैनिपुलेट हो सकती, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है. खासकर अभी जब चुनाव हुए हैं तो कई सीटों के ऊपर अंतर बहुत कम रहा. देखिए ऐसा है कि राजीव चंद्रशेखर जी बड़े विद्वान आदमी है और मैं समझता हूं कि इतने विद्वान है कि उनको सब साइंटिफिक पहलू शायद एलन मस्क से ज्यादा पता हूं, तो शायद उनकी बात सही भी हो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा. लेकिन ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि हमें, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमें पूरा विश्वास है सरकार पे भी और मशीनों पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, तो उस पर मैं आगे क्या टिप्पणी करूं. जब विश्वास के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता. आपको लगता है सर अब जरूरत इस बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी पे भी एक मामला चला गया, उनकी टिप्पणी आ गई, एक उनका उनके उनकी टिप्पणी आ गई, उसके बाद अब दूसरी रास्ता जो बचता है वो पार्लियामेंट सिस्टम का बचता है और अपोजिशन के पास आज इतने नंबर हैं जहां वो बात और पुरजोर तरीके से रख सकती है. तो और अभी पार्लियामेंट सेशन होने ही वाला है, 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, स्पेशल सेशन है ये, 3 जुलाई तक चलेगा. यहां पर प्रमुख मुद्दा होगा ये, आप विपक्ष की तरफ से होना चाहिए, यहाँ मुश्किल है, यहाँ तो प्रेसिडेंट एड्रेस होगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन ये मुद्दा आपको जो अगला सेशन होगा, जो मॉनसून सेशन होगा, उसमें उठाने की जरूरत है. इस सेशन में तो मुद्दा उठाना नहीं चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस पे चर्चा होनी चाहिए और जब मॉनसून सेशन होगा उस पे चर्चा होनी चाहिए. सर इसके इसके आई थिंक मे बी मिस्टर मस्क हुज ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्राइट मैन वाज कमेंटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम ईवीएम्स इन द यूएस specifically in Puerto Rico, and he made this very sweeping comment that all EVMs can be hacked. And of course, I am nobody to get into an argument with somebody like Elon Musk, but certainly that statement or the generalization was far too sweeping for it to be left unchallenged. And therefore, I pointed out to him that the Indian EVMs are very different from what the Americans know of EVMs, because the US and the Western world use connected devices. They are using traditional compute platforms that are connected to the internet as EVMs. And I pointed out that the Indian EVM is architected and designed to be safe and secure.